एलकेजी की हिंदी क्लास में। आज की क्लास में हम क से अंग तक लिखना सीखेंगे। अभी तक हमने रीडिंग की प्रैक्टिस की थी ना, आज हम इसको कैसे लिखते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क लिखने के लिए हमें एक स्लीपिंग लाइन लेनी है, ओके? फिर स्टैंडिंग लाइन ऐसे वन बना दिया, बीच में सी बना लिया, इसको ऐसे करा और यूं टर्न करके क, ये क्या बन गया? क, क से कबूतर, ख। नेक्स्ट आता है ख, स्लीपिंग लाइन ऐसे करके टू बना के यू कर्व करके इसको यू घुमाना है, देन वन बनाना है और इसके बीच में से कर्व करना है हाफ कर्व, तो ये बन गया ख, कबूतर, ख खरगोश। नेक्स्ट ग गमला, इसके लिए पहले स्लीपिंग लाइन वन बनाया, थोड़ा सा कर्व किया, एक ओवर बनाया पीछे स्टैंडिंग लाइन वाला, ग, ग गमला, ग कबूतर, ख खरगोश, ग गमला। नेक्स्ट घ घर, स्लीपिंग लाइन आधा कर, अगेन आधा कर, इस कर्व को ऊपर ले जाना है और स्टैंडिंग लाइन वन बनाना, घ घर। नेक्स्ट अंग, स्लीपिंग लाइन छोटा सा वन यानी कि स्टैंडिंग लाइन छोटा सा, एस फॉर सन बनाते हैं, एस फॉर सन बनाया और ये एक बिंदु बना दी यहाँ पे छोटी सी, तो ये क्या बन गया? अंग। क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ग घर, अंग। बॉयज, मेरे पास ब्लैकबोर्ड में स्पेस नहीं है, आपको कॉपी में इसको कैसे लिखना है? क कबूतर, तो ये लाइन पूरी क कबूतर की आएगी, ख खरगोश, ये पूरी लाइन ख खरगोश की, ग गमला, क गमला की लाइन पूरी आएगी, घ घर इसी के पास में आएगा, अंगा भी इसी के पास में आएगा और ये लाइन पूरी पूरी आनी है, जैसे कि क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर, अंग। इसकी आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कॉपी में पूरा पूरा लिखना है, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ग घर, अंग। इस वीक आपको इसी की प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।